Oh,
पहले अपना नाम बताइए। तो आपको आपको स्टेज पर परफॉर्म करना है, बेटा डांस करना है कि गाना गाना है ये बताइए। अच्छा कौन सा सॉन्ग आजकल सुनते हैं ये बताइए, कौन सा सॉन्ग सुनते हैं? कोका कोला। बेटा कोई भी जल्दी से ताली होनी चाहिए आप सबकी। What?
साल का लोकप्रिय गीत ये। Just bounce. इतना ही रखिए, और भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा।
मतलब इतना बिजी होते हुए भी गाते हुए एक सॉन्ग, हमारी रिक्वेस्ट, हमारे सबकी रिक्वेस्ट, तालियां होनी चाहिए सॉन्ग के लिए, प्लीज सर। थैंक यू मुस्ताक भाई, गुड इवनिंग, आप सबको मजा आ रहा है? दैट्स ग्रेट। ये वेलनेस कॉल हो रही है और वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुश रहें। अगर खुश रहेंगे तो काम भी अच्छा करेंगे और हम जो भी कर रहे हैं वो एक बेहतरीन, आप खूब काम करिए, खूब पढ़िए और अपने प्रोफेशन के द्वारा देश की सेवा करें, अपने परिवार की देखभाल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और एक बहुत मुबारक मौका है डॉक्टर प्रवीण कटियार जो इस सारे प्रोग्राम के पीछे हैं और उनके जैसा जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बहुत कम मिलता है, तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रवीण कटियार के लिए और आप अपने सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं फिर उसके बाद एक गाना, जैसा मुस्ताक ने कहा ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने मुझे कहा माइक पकड़ के गाना कैसे है, इन्होंने सिखाया है। सर आपको शौक था सर, ऐसा कुछ नहीं। तो ये गाना इस बेहतरीन मौके पर आप सब एंजॉय कर रहे हैं, हम चाहते हैं एंजॉय करें और उसी मूड को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये गाना है अनोखी अदा से। बहुत प्यारा सा सॉन्ग है बच्चों का, अनोखी हाल क्या है दिलों का न पूछो सुनो, प्लीज सारी आप लोगों जबरदस्त आइए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब जा गया, एक मैं मिल तुम्हारी हंसी कम नदी, एक मैं मिल तुम्हारी हंसी कम नदी, उस पे मेरा तराना गजब जा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आज मौसम सुहाना गजब का गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब का गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। Thank you.
आशीर्वाद दिया और एक सॉन्ग सुनाया. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू. प्लीज आपकी तालियां जबरदस्त सुनिए. उतनी ही मोहब्बत करता हूँ और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उसे मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं मिली. अब बात करते हैं बाजीराव के रणवीर सिंह की, जिनका ये डायलॉग तो बहुत ही फेमस है. बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है. फेमस हीरो जो सबके होते हैं, यहाँ हमारे फेवरेट विलन भी हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब. अब जहाँ विलन की बात हो रही है तो वहाँ हमारे सुपरस्टार चुनगुन पांडे के हैं. और उसके बाद बात करते हैं इतिहास की प्रेम कथा 14 अक्टूबर की. अकबर को जिनने पूरी दुनिया जीतने की फतेह दी, लेकिन वो अपनी बेगमें खास मलिका हैं जोधा बेगम की मोहब्बत के शिकस्त थे. अब बात करते हैं कबीर सिंह. हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम लोग कबीर सिंह को कैसे भूले. स्टार ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट और जो कहलाते हैं यूथ आइकॉनिक ऑलराउंडर. अब बात करते हैं मेक इन इंडिया. मिला अपने सपनों का राजकुमार हमारे भारत में मिला, हमारा भारत में. अब बात करते हैं गब्बर सिंह की, जिनका शोले पिक्चर के गब्बर का जिनका डायलॉग सभी को याद होगा. कितने आदमी हैं, इनका विलन को तो सब. चलिए आज मॉडर्न गब्बर से मिलते हैं. आज के मॉडर्न गब्बर लव में व्यक्ति गब्बर एंड लव शाहरुख खान. नजरें झुका के शर्म भा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था. चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी भी मात दे सकती है. तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे. इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे. मेरे दिल की
अपनी सांस रोक सकता हूँ, टेंशन में लेने पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आने तेरे काम है। Thank you.
के हाथ पांव बहुत करारा निशान
पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहाँ बहुत जोर नाची थी। बहुत कतीली नचनिया दिखाओ दो चार ठुमके।
कुछ भी ना सोचा पापा ने इसके ध्यान इसलिए कोशिश कर रहा प्लीज हाँ मैं यहीं पे बैठा हूँ
बड़े मेहनत की आप लोगों ने सबने मिल के। काकू एक फोटो का बच्चा है, काकू एक फोटो का बच्चा है बेटा।